चुनाव के बीच एमपी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसने एक बार फिर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। अब कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस दलित परिवार के साथ बीजेपी नेताओं ने जो किया है वो सोच कर ही मन पीड़ा और क्रोध से भर गया। ये शर्म की बात है कि बीजेपी के राज में सरकार पीड़ित महिलाओं की जगह हमेशा उनके गुनहगारों के साथ खड़ी मिलती है। ऐसी घटनाएं हर उस इंसान की हिम्मत तोड़ देती है जिसके पास इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सिवाय कानून के और कोई रास्ता नहीं होता। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज मजबूती से उठा सकेगा। हम न्याय को दौलत और ताकत का मोहताज नहीं बनने दे सकते। इस मामले में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इस पर नाराजगी जताई गई है और पूरी कहानी बताने की कोशिश की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले में करीब 9 महीने पहले एक दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया था। ऊंची जाति के लोगों पर इसका आरोप लगा। विवाद बढ़ा तो पता चला लड़की की बहन ने 2019 में हरासमेंट की एक FIR दर्ज करवाई थी। परिवार का आरोप यही है कि तब से ही काफी प्रेशर दिया जाता रहा है कि केस वापस ले ले। इसी के चलते बीते दिनों लड़की के चाचा को भी पीट पीट कर मार डाला गया। अब खबर है कि लड़की चाचा के शव के साथ एम्बुलेंस पे थी और वहां से गिरकर उसकी मौत हो गई। इस संदिग्ध मौत से अब कई सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी का जंगल राज। पहले बीजेपी के नेताओं ने एक दलित लड़की का यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे धमकाते रहे कि ये बात किसी को मत कहना। डरी सहमी लड़की ने ये बात अपने परिवार को बताई और फिर तमाम मशक्कत के बाद FIR हुई। इसके बाद से बीजेपी के नेता दलित परिवार पर समझौते का दबाव बनाने लगे। जब समझौते के लिए परिवार राजी ना हुआ तो लड़की के भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। जब लड़की की माँ बीच बचाव करने आई तो उसे निर्वस्त्र कर दिया गया। दलित लड़की के भाई की हत्या के बाद से बीजेपी नेता परिवार पर समझौते के लिए तमाम दबाव डाल रहे थे। इसे लेकर 3 दिन पहले समझौते के लिए लड़की के चाचा को बुलाया गया और वहां उनकी हत्या कर दी गई। अब खबर है कि दलित लड़की अपने चाचा की लाश को एम्बुलेंस में लेकर गांव आ रही थी और रास्ते में एम्बुलेंस से गिरकर उसकी मौत हो गई। 1 साल के अंदर ही 2 हत्या और 1 दलित लड़की की संदिग्ध मौत, जिसने बीजेपी नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नरेंद्र मोदी जी, आप तक ये खबर पहुंची? आपके जंगल राज में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है और समझौता ना करने पर आपकी पार्टी के लोग हत्या करवा रहे हैं। आपने देश को बेटियों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित बना दिया है और हर बार की तरह आप इस बार भी दरिंदों के साथ खड़े होंगे, ये देश जानता है। इसके साथ ही कांग्रेस ने लिखा है, ये वीडियो पिछले साल का है जब दलित लड़की के भाई की हत्या कर दी गई थी। मतलब साफ है कि जो वीडियो इस वक्त देखा जा रहा है वो अभी का नहीं है, वो पुराना वीडियो है। जानकारी के मुताबिक लड़की का नाम अंजना अहिरवार था। रविवार 26 मई को सागर में चाचा का शव ले जा रही एम्बुलेंस से गिरने के चलते उसकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो अंजना के जिस भाई को पिछले साल पीट पीट कर मारा गया था उसकी उम्र 18 साल थी। आरोप के मुताबिक उत्पीड़न का विरोध करने पर ऊंची जाति के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। अंजना का आरोप है कि भाई नितिन अहिरवार की कुछ लोगों ने हत्या की थी, वो लोग उन्हें परेशान करते थे। इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव है, मृत लड़की के परिवार से मिलने भी पहुंचे, अंजना के अंतिम संस्कार में भी पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कई दावे किए और मध्य प्रदेश सागर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक SP को हटाने की मांग भी की। दिग्विजय सिंह के मुताबिक उन्हें मृत लड़की के परिवार ने बताया कि उन्हें दी गई सुरक्षा कुछ दिन पहले ही हटा दी गई थी, उनके क्षेत्र में लगे कैमरे भी हटाए गए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंजना एक पढ़ी लिखी महिला थी और परिवार की देखभाल कर रही थी, उन पर बयान बदलने का दबाव था। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में एक दलित बहन के साथ घटी ये घटना दिल दहला देने वाली है। बीजेपी के लोग संविधान के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि देश की महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े सम्मान के साथ जीवन जिए, उनकी कहीं कोई सुनवाई हो। दिल्ली में पहलवान बहने हो, हाथरस उन्नाव की पीड़िताएं हो या फिर ये भयावह कांड, जहां भी महिला पर अत्याचार हुआ नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने आरोपियों को ही बचाया। जिन बहनों पर अत्याचार हुआ अगर उन्होंने न्याय मांगा तो उनके परिवारों को तबाह कर दिया गया। देश की महिलाएं अब चुप नहीं बैठने वाली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।